रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, बरसात के दिन थी और तब बरसात का एक अलग ही मिजाज हुआ करता था। दिमाग में 15 जून मानसून की डेडलाइन तय थी और शायद बादल भी उन दिनों वादे के पाबंद और ईमानदार हुआ करते थे, या अगर कभी कुछ दिन की ऊंच नीच हो भी जाए तो उसके लिए ना तो बादलों से शिकवा होता था ना दिमाग में बना डेडलाइन का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। बरसात तब अपर लेक लेवल और लोअर लेक लेवल की मार्फत नल की टोंटी अथवा पानी के घड़े से नहीं जुड़ी थी, ना ही मौसम की जानकारी पूर्वानुमान सहित शाम की खबरों और दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी थी। बरसात आती गर्मी से झुलसाई जमीन और पेड़ पौधों को राहत देने और देखते ही देखते पहाड़ मैदान खपरेली दीवारें हरी हो जाती और चौतरफा जलथल ही जलथल हो जाता। दिनों और हफ्तों सूरज के दीदार ना होते और बाहर एक बहुत बड़े गुसलखाने में बदल जाता, जहां हर चीज नहाती और गुसले सेहत लेती रहती। शहर के पगडंडी नुमा सड़कें और हथेली सी गहरी नालियां बरसात के हल्के झलों में ही पानी में डूब जाती और जब पानी थोड़ा जमकर गिरता तो घरों से लेकर दुकानें और कारखाने सब बरसात के रहम पर होते। बड़े घर के पास से बहने वाला खुला गंदा नाला पछाड़े खाता, बेकाबू हो जाता और क्योंकि शहर का यह इलाका नसीब में था इसलिए बहते पानी के ताव में रास्ते का जो कुछ समेट में आता सब बह जाता। थोड़ी दूर बहती पतरा की ओर वैसे समेट में आने को घूरे के कचरे और पीठों पर जमी लकड़ी की थप्पियों और टालों के अलावा कुछ था नहीं, क्योंकि आसपास लकड़ी के कारखाने के अलावा कछवाड़े थे या खुले मैदान। सबसे आखिर में बिल्कुल पात्रा के किनारे बड़े अब्बा का पीठा था और उस समय भाईजान जहां शहर की पहली आधुनिक डेयरी खोलने का प्रयोग कर रहे थे वहां कई दर्जन पंजाब की भैंसें पली थीं। पानी जब भी जम के गिरता और इकट्ठा होकर मंझधार की शक्ल में पात्रा की ओर बहना शुरू होता। सारे पीछे वाले अपनी अपनी लकड़ी की देखरेख और हिफाजत में लग जाते। एक आपसी सहमति के अंतर्गत किसी पीठे की लकड़ी बहकर दूसरी जगह चली जाए तो ईमानदारी से उसकी खबर मालिक को कर दी जाती थी और लकड़ी लौटा दी जाती थी। पानी गिरते में लोग हाथ ठेले लिए अपनी अपनी लकड़ी पहचान कर इकट्ठा करवाते फिरते थे। स्टॉप।